भारतीय सेना ने पिछले 24 घंटे में कश्मीरी घाटी में 9 आतंकवादी मार गिराए। सुरक्षा बलों ने शनिवार को 4 आतंकियों को दक्षिण कश्मीर के बटपुरा में मार गिराया और 5 अन्य को केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास मार गिराया। केरन सेक्टर में मारे गए आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। न्यूज एजेंसी ने आर्मी के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के एक जवान शहीद हुए, वहीं 2 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। दरअसल शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर से श्यामराज शर्मा की खास रिपोर्ट, जय की खबर नाउ। जम्मू 5 अप्रैल एसएसपी सिक्योरिटी वीआईपी जम्मू रंजीत सिंह संभाल ने विनय सेठी व अरुण रोबिन हुड आर्मी के सहयोग से अपनी टीम को साथ लेकर झुग्गी झोपड़ी पट्टियों में रहने वाले गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन खाने पीने की सामग्री वितरित की। ब्यूरो रिपोर्ट, जय की खबर नाउ। म्युनिसिपल कमेटी डोरू विरनाक के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल ने मॉडल हॉस्पिटल डोरू में सैनिटाइजिंग टनल स्थापित की है। मलिक जाकिर की रिपोर्ट। दिन है कि जब हम पूरे डोरू विरनाक में लगे हैं सैनिटेशन, ऊपर से हम अपने तरीके से सफाई सुथरे भी करते हैं, जिसमें हमारा अमोनियम कंपाउंड पड़ता है, जहाँ पर कुछ ऐसे हालात हो, पॉजिटिव केसेज हो, आइसोलेशन हो, तो दूसरी हमारा हाइड्रोक्लोराइड, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, लाइजॉल हम यूज़ कर रहे हैं, फिनाइल। डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने पंचायत शारा के ग्राम मांडेरा में कोरोना जागरूकता शिविर का आयोजन किया और पंचायत के सरपंच श्रीमती किरणा देवी भी मौजूद थी। शिविरों और मुफ्त मास्क, साबुन और आपातकालीन दवाओं के दौरान लोगों में वितरित किया गया और जनता को सलाह दी गई थी कि वे रोकथाम का पालन करें और जितना संभव हो सके घर पर रहें और किसी को भी राज्य देश के बाहर से चिकित्सा परामर्श या उचित प्रक्रिया से बाहर आने पर प्रशासन को सूचित करें और छिपाने की कोशिश ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरफराज की रिपोर्ट। मैं यहाँ पर आए हुए डॉक्टर रमेश्वर जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने यहाँ पे जो आज कोरोना अवेयरनेस कैंप लगाया और हमारे लोगों को यहाँ पे कुछ मास्क, साबुन और जो मेडिसिन थी वो डिस्ट्रीब्यूट की। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और मैं भी अपने लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में लॉकडाउन है, इसका पालन करें और इसका पालन पूरी अपनी जिम्मेवारी से करें और रोड पे ना निकलें, घर में बैठें, ताकि हम कोरोना से बच सकें। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे पूरा विश्व जिसका शिकार हो चुका है। मैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, मेडिकल ऑफिसर पीएससी कोटी चंडीहार। आज हम मंदरेरा पंचायत में आए हुए हैं, ये हमारी मंदरेरा पंचायत की सरपंच साहिबा हैं। तो आज हमने यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप और कोरोना अवेयरनेस कैंप लगाया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना को लेके कितनी मुश्किल, कितनी प्रॉब्लम आ रही है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, इवन कि हमारे बनी तहसील में। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने कोरोना अवेयरनेस को लेके जो लोगों को जागरूक करने के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे हम लोगों, आज मैंने लोगों को एक फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अपने से जितने हो सकते थे उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उनको सोप डिस्ट्रीब्यूट किया है और उनको बताया है कि फ्रिक्वेंटली अपना हैंड वॉश करते रहें, ताकि इस चीज़ को जितना वो करेंगे तो उस चीज़ से उतना बचेंगे। आरसपुरा 4 अप्रैल लॉकडाउन के बीच बैंकों में पेंशन लेने के लिए आ रही बुजुर्ग महिलाओं के लिए आरसपुरा पुलिस आगे आई। पुलिस विभाग के लोगों द्वारा बुजुर्ग महिलाओं को सहारा दिया गया और उन्हें काउंटर तक पहुंचाने का काम भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सोहन चौधरी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन द्वारा तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तहसीलदार हरजीत सिंह गगवाल ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। आज इसी कड़ी में एसएचओ गगवाल सुधीर सड़ोत्रा के लोगों ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। लोगों को समझाते हुए कहा, इस बीमारी से बचने का तरीका हम लोगों के पास ही है। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट, जेके न्यूज। उपजिला बिलावर के दरमनी पंचायत में सरपंच और स्थानीय लोगों द्वारा दरमनी पंचायत के कई जगहों पर शनिवार को स्वच्छता अभियान के साथ साथ हाइपोक्लोराइड स्प्रे किया गया। सरपंच धर्मनी जोगिंदर कुमार द्वारा करीब 300 मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। पिछले कई दिनों से रामकोट के सभी जगहों पर स्प्रे की जा रही है, ताकि कोरोना वायरस को इलाके में फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही कड़ी धूप में दरमनी पंचायत के गाँव कल्याल व बद्रात में हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया गया। सरपंच जोगिंदर ने कोरोना से बचने के उपाय भी बताए। बिलावर से मिंटू खजूरिया की रिपोर्ट। आरसपुरा 4 अप्रैल जम्मू कश्मीर आबकारी विभाग के क्षेत्र के गांव सिंबल कैंप कुलिया सहित आदि दौरा कर लोगों में मास्क बांटे तथा लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय के बारे में जागरूक किया गया। आबकारी विभाग के कमिश्नर राजेश कुमार सावर ने निर्देशों पर चलाए गए इस अभियान के दौरान विभाग की ईटीओ निपुण टुपू,
डिप्टी कमिश्नर अमरजीत सिंह तथा स्टाफ के सदस्य प्रहलाद सिंह सहित विभाग के कई अन्य लोग भी मौजूद थे। इस अवसर पर लोगों में मास्क वितरण करने के बाद अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पूरे तरीके से पालन करते हुए अपने घरों में रहे और संदेश दूसरे लोगों तक भी पहुँचाए। ब्लॉक मीरा साहिब के चेयरमैन दिलीप कुमार की अध्यक्षता में पंचायत दर सुपर में सैनिटेशन अभियान चलाया गया। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा आने वाले दिनों में भी इस अभियान को ब्लॉक में जारी रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सोहन चौधरी की रिपोर्ट। आज हम यहां ब्लॉक मीरा साहब से पूरी पंचायतों में सैनिटेशन काम शुरू किया है। सबसे पहले जैसे कि आपने आज देख रहे हो, हम पूरे आज दरसोपुर पंचायत करवा रहे हैं, उसके बाद कल मखनपुर पंचायत होगी, उसके बाद फिर निहालपुर पंचायत होगी, फिर जैसे जैसे हमें हम आगे कराते जाएंगे सारी पंचायतों में हम करवा देंगे। ब्लॉक सुचेतगढ़ की पंचायत रंगपुर मौलनिया के सरपंच पुष्पा देवी की देखरेख में पंचायत के अधीन आते गांव में सैनिटेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान हरेक गली तथा मोहल्ले में कोरोना वायरस का प्रकोप कम करने के लिए दवाई का शिकार किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच जसवीर सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री केयर फंड में अपनी दान राशि जमा करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा ब्लॉक मीरा साहिब के चेयरमैन दिलीप कुमार सहित पार्टी के जुड़े कई लोगों तथा समाज सेवकों ने भाजपा के राज्य उप प्रधान डॉक्टर नरेंद्र सिंह को अपनी दान राशि के चेक सौंपे। इस मौके पर पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा संकट के समय में देश के नागरिक दिल खोलकर प्रधानमंत्री केयर फंड में दान कर रहे हैं। उन्होंने कहा देश में मौजूदा समय में कोरोना वायरस एक चुनौती के रूप में सामने आया है जिससे हमें मिलजुल कर निपटना होगा। भाजपा उपाध्यक्ष ने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए अपने घरों में ही रहे। मीरा साहब के ब्लॉक चेयरमैन दिलीप जी और उनकी टीम के इनिशिएटिव के कारण मीरा साहब के ब्लॉक के कई लोगों ने, आम जनता ने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में अपना सहयोग दिया, अपना दान दिया। समाज सेवक दिनेश राणा ने शनिवार को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए गांव खारिया में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रवासी मजदूर परिवारों में सूखा राशन वितरित किया। इस मौके पर नायब तहसीलदार मीरा साहिब, गांव के पंच हरिचंद, नंबरदार अमरनाथ तथा चेयरमैन सौदागर मल सहित कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए समाज सेवक दिनेश राणा ने कहा संकट के इस दौर में हमें जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। आज जो हमारे थोड़े से सोशल लोग हैं, नायब साहब के सुपरविजन में हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत राशन था हमारे से हो सका हमने गरीब लोगों को बांटा। उसने लंबरदार जी खारियां की बहुत बड़ी एक ड्यूटी बनी, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और अपनी तरफ से जो कुछ भी हुआ वो दिया हमने। थाना प्रभारी रामगढ़ चमन गोरखा तथा उनकी टीम द्वारा जरूरतमंदों को राशन एवं अन्य जरूरत का सामान वितरित किया गया तथा वहां के स्थानीय लोगों से अपील की गई कि वह बिना काम के बाहर ना निकले और घर में सुरक्षित रहे। श्यामला शर्मा की खास रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। थाना प्रभारी बड़े ब्राह्मण ने वीरपुर के स्थानीय सरपंच की मदद से 120 स्थानीय गरीब परिवारों को राशन तथा अन्य जरूरत का सामान बांटा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट। गोस्वामी गुरु नवादास सेवा दल की ओर से गरीब लोगों को बांटा राशन और किया जागरूक। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन द्वारा तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में स्वामी गुरु नवादास सेवा दल ने लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। लोगों को समझाते हुए कहा इस बीमारी से बचने का तरीका भी हम लोगों के पास ही है, अगर हम लोग अपने आप को सतर्क रखेंगे और भीड़ वाले इलाके में आने जाने से परहेज करेंगे तो हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें और समय समय पर हाथ धोएं। अगर उन्हें बुखार, जुखाम, खांसी आदि की शिकायत होती है तो वह जल्द से जल्द चिकित्सालय सलाह लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट।